पहले इंट्रो देते हैं, बताते हैं वीडियो में क्या क्या है, तभी ना मजा आएगा देखने में। तो पहले सब वन टैप मोमेंट डाले हैं और क्लच डाले हैं, समझ गए। तो वीडियो एंड तक देखना, लाइक करना, नहीं तो घर आके चेक करेंगे फोन, लाइक नहीं देखे ना तो बुझा रहा ना क्या करेंगे। तो लाइक कर देना, चलो वीडियो देखो अभी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आ चुके हैं न्यू ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं फतेहगढ़ आर्मी की भर्ती देखने। सॉरी, आर्मी नहीं, अग्निवीर बोल सकते हैं क्योंकि उसका नाम चेंज हो कर दिए हैं ना, तो अग्निवीर कर दिए हैं। तो काफ़ी बंदे हैं जो कि हमारे साथ अभी स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन की। तो हम और हमारे चाचा के लड़के हैं जो कि यहाँ से निकल रहे हैं अभी, तो दूसरे स्टेशन पर जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी और ट्रेन में देख सकते हैं कितना भीड़ है, इतना सब खुल ही चल रहे हैं, आप देख ही सकते हैं पूरा एकदम कैसे खड़े होकर जा रहे हैं। रास्ते में कुछ दूर पहुँचने के बाद यहाँ पे जो कांवड़ यात्रा वाले हैं ये भी दिखाई पड़े, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिख रहे थे। और ये घाघरा नदी है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है ट्रेन के अंदर से देखने में, एकदम किनारे ही बैठे हैं, लग रहा है जैसे अभी फ़ोन कहीं गिर ना जाए वीडियो बनाते बनाते। तो फिलहाल गाइस, आप लोगों को उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। तो आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। तो अभी कानपुर पहुँचे स्टेशन पर, यहाँ होटल पे देखा लड़ाई चल रहा था, होटल वाला बदतमीजी कर रहा था भाई सभी बंदों को जो खाना खाने गए थे उनसे, पता नहीं किस बात पर लेकिन लड़ाई झगड़ा कर रहा था, बहुत अकड़ रहा था साला। तो फिर चलते हैं यहाँ पर, कितना प्यारा नज़ारा स्टेशन के पास। और फतेहगढ़ ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं सभी अग्निवीर वाले बंदे, और भी कई लोग हैं जो फतेहगढ़ जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भाई अलग ही मिजाज में इस समय। तो हमारे सारे दोस्त यहाँ पे ट्रेन में घुस आए हैं जो कि एसी वाले डिब्बे में है, तो पुलिस फतेहगढ़ कर यहाँ से सभी को नीचे उतार रहा है। भाई एसी वाले में काहे घुस गए, जाके लोकल या फिर जनरल जो कुछ भी हो यार, ट्रेन के बारे में उन्हें पता नहीं है, लेकिन इस वाले डिब्बे में अलाउड नहीं है। तो फतेहगढ़ पहुँचने के बाद पैदल अभी हम सब ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ जाने के बाद अभी बैठे हैं ग्राउंड में। तो देख सकते हैं चारों तरफ बंदे बैठे हैं लाइन से बैठे हैं, अभी पता चला कि यहाँ पे आज हम लोगों का नहीं है रनिंग, तो फिर दूसरे दिन है। तो बाहर आ गए, मतलब वहाँ से बाहर आ गए, रात किसी तरह कटा तो कटा, यहाँ पे बस स्टैंड के पास लेटे थे। तो यहाँ पे पुलिस वाले भी बोल रहे हैं भाई यहाँ से हट जा किनारे, और यहाँ पे रूम भी ढूंढ रहे थे, रूम भी नहीं मिला कि जाके कहीं पर आराम कर ले। तो हमारे गांव के तरफ के कुछ दो चार बंदे और मिल गए, तो साथ में ही हैं, ये खड़े हुए हैं, मोबाइल चला गिर गया, देखो कैसा कैसा सीन है। तो यहाँ के बाद गए हैं आर्मी वाला बनियाई लेने, तो उसे ही पहनकर मेरे चाचा का लड़का दौड़ेगा ला, नहीं तो बनियाई घर पे ही भूल गया, तो लेने आए थे। तो इसे शाम हो गया, ग्राउंड पर पहुँचने के बाद हम सब तैयारी कर रहे हैं भाई कितना जल्दी बची रात को दौड़ा दें, लेकिन फ़िलहाल ओ भाई इतना अच्छा नज़ारा है, बादल बादल दिख रहा है, मच्छर भगाने के लिए ये एनर्जी नहीं वेस्ट करना है मेरे भाई, छिड़काई कर रहे हैं जो कुछ भी हो पता नहीं। देखो बंदे कितना खेल रहे हैं, बीच में मस्ती कर रहे हैं, ये पास और थाम लगा हुआ है कि मतलब इसी ग्राउंड के बीच में जितने बंदे आएंगे वो सब बैठेंगे। तो आज रात 1 बजे हम लोगों को दौड़ाएंगे, देखते हैं 1 बजे क्या होता है, 1 ही बजे दौड़ाएं पता नहीं, कुछ बता नहीं सकते अभी तो, फिलहाल आगे देखे नहीं है। देखो कितना अच्छा धुआं लग रहा है, अजीब सा इसका गंध है। ये हमारे चाचा के लड़के देखो कैसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं भैया, बाल वाल सही कर रहे हैं, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ का धुआं। ये बंदे लोग आपस में मस्ती कर रहे हैं यहीं के हैं फतेहगढ़ के, राजपूत रेजिमेंटल में हम लोगों का आया है सेंटर, यहीं पे जाएंगे सुबह। अभी लाइन में बैठ चुके हैं, कल वाले लाइन में अलग बैठ गए थे, आज हमारा अलग लगा। तो दूसरे दिन हम लोगों का रनिंग हुआ, कम्प्लीट नहीं हो पाए, उसमें रनिंग 2-4-10 सेकंड पीछे रह गए, तो हमारा हम लोगों का नहीं आया नाम। तो जितने बंदे आए हमारे इधर के 2-4 बंदों का सिलेक्शन हुआ है और सब वापस चल रहे हैं, तो स्टेशन पर पहुंच गए हैं और वह और वापस चल रहे हैं यहाँ से, क्या करेंगे फिलहाल, टाइम पास करने से अच्छा है चलने घर पे, वैसे भी बहुत परेशान हो गए 3-4 दिन के अंदर। नीचे एक बंदा ना आ रहा है भाई, कैसे डर भी नहीं लग रहा है उसको, चलो ठीक है जो भी है अच्छा है सब। तो भाई ये ट्रेन पता नहीं किस ट्रेन पे चढ़ गए, यहाँ पे 1-2 किलोमीटर जाने के बाद 2-3 घंटे रेस्ट लेती है तब चलती है, परेशान करके रख दी है। और यहाँ पे काफ़ी देर से सब लोग मस्ती कर रहे हैं, एक बोतल वहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से सब लोग पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं बंदे। भैया चोर बाजार लग गया भाई, खरीद लो। लखनऊ स्टेशन पहुँच चुके हैं और ब्लॉग बनाते बनाते मेरे मोबाइल का इंटरनल भी फुल हो गया है। तो फिलहाल गाइस यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, बहुत दिन बाद ब्लॉग लेकर आए हैं।